हज यात्रेकरूंसाठी कोरोना लसीकरणाला सुरुवात. हज यात्रेसाठी संपूर्ण देशभरातून मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने जात असतात. मात्र कोरोनाच्या संपूर्ण काळामध्ये ही यात्रा बंद होती. आता कोरोना आटोक्यात आल्याने पुन्हा एकदा हज यात्रेस सुरुवात झाली आहे आणि त्यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातून 130 मुस्लिम बांधव हज यात्रेसाठी रवाना होणार आहेत. त्यासाठी कोरोना लसीकरण अनिवार्य असल्याने खामगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हज यात्रेकरूंनी आपले कोरोना लसीकरण करून घेतले आहे. तर बुलढाण्यात देखील 13 जून रोजी हज यात्रेकरू आपले लसीकरण करणार असल्याची माहिती आहे. सोबतच यात्रेकरूंना RT-PCR चाचणी देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे. या सर्व नियम व अटींचे पालन करून हज यात्रेकरी रवाना होणार आहेत. मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल खामगाव. आज यहाँ पर हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया था. इसमें अपन 3 वैक्सीन लगाते जो हज पे जाने वाले लोग रहते हैं उनको. एक तो जो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन ना होना चाहिए उसके लिए मेनिंजोकोकल वैक्सीन लगाते, दूसरा पोलियो वैक्सीन लगाते, और जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते. तो अभी यहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ, 10 बजे शुरू हुआ. वैद्य अधीक्षक डॉक्टर नीरज चापे सर के सुपरविजन में अभी प्रोग्राम शुरू है. तकरीबन 54 लोगों का वैक्सीनेशन हो गया अभी तक. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से अलहमदिल्ला इस साल 130 लोगों का नंबर लगा है. 130 हाजी इंशाल्लाह जा रहे हैं यहाँ से. इसमें अभी खम्भा सिविल हॉस्पिटल में आज वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया था. इसके अंदर अभी तकरीबन यहाँ पे 70 हुज्जाज यहाँ पे आए, जिसमें टूर ऑपरेटर्स भी है और हज कमेटी की भी है अलहमदिल्ला. और दूसरा वैक्सीन जो है अलहमदिल्ला वो बुलढाणा के अंदर होगा 13 तारीख को, तो वहाँ पे भी हुज्जाज पहुँचे. और हुज्जाज जो है अभी अलहमदिल्ला 18 जून से 3 जुलाई का शेड्यूल है मुंबई का. तो यहाँ के जो हुज्जाज है इंशाल्लाह वो 18 तारीख से 3 जुलाई के बीच में इनका शेड्यूल आएगा इंशाल्लाह.